रमज़ान और मुबारक 2024 की आमद आमद है और मौसम कैसा रहेगा, किन शहरों के अंदर बारिशों का आगाज़ होगा। देखिए, रमज़ान का आगाज़ होना है 11 मार्च को, यानी 11 मार्च को मोस्ट प्रोबेबली प्रोबेबिलिटी जो है वो 11 मार्च की है, और 9 अप्रैल को ईद उल फितर होगी। सो अगर बात की जाए मौसम की, तो बलाई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी, बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, ठंड होगी। कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी, ठंड होगी। गिलगित के अंदर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी, ठंड होगी। इस्लामाबाद के अंदर बड़ा ज़बरदस्त मौसम रहेगा। मैं एवरेज बात करूँ तो यहाँ पे 10 डिग्री कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 25 डिग्री रहेगा। यानी बड़ा ज़बरदस्त मौसम गुजरेगा रमज़ान के अंदर, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न के अंदर है, मौसम बहार के अंदर ये रमज़ान आ रहे हैं। सो काफ़ी इंजॉय करेंगे अब ये रोज़े। दूसरी जाने खेतर पठार के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त मौसम रहेगा। चकवाल हो गया, रावलपिंडी हो गया, अटक हो गया, झेलम हो गया, ये सारे जो इलाके हैं यहाँ पे भी ठंडी हवाएं चलेंगी, तेज़ हवाएं चलेंगी, चंद रोज़ बारिशें भी होंगी। सो काफ़ी ज़बरदस्त मौसम रहेगा। इस दफ़ा सिंध में थोड़ी सी मौसम खुश्क है, पर सर्द रहेगा मौसम, और बलूचिस्तान की भी सेम सिचुएशन है। सो ओवरऑल वेदर बड़ा ज़बरदस्त है, आपके रोज़े बड़े ज़बरदस्त गुजरेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।